वेलकम गाइस, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं ओ लेवल में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की, उसी का दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ अदर कनेक्शंस और होते हैं, ठीक। तो अदर इंटरनेट कनेक्शन आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि और इन लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री के बाद और इतने कितने ऐसे कनेक्शन हैं जिससे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DSL पे, जो कि इस समय न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, गाइस आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है DSL का, ISDN का। तो ISDN का तो फुल फॉर्म कल हमने बताया था, इंटीग्रेटेड सोर्स डिजिटल नेटवर्क। आज हम इसकी बात करते हैं। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक। और ये नया माध्यम है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जिसमें आप यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप अपने होम में या ऑफिस में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा तो आपके नेटवर्क वहाँ पे फास्ट होगा। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क 128 KB से बढ़ के अधिक आ गया था, और जो यहाँ पे DSL के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है मॉडेम, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि DSL विल नीड मॉडेम। मॉडेम का एक नाम और है राउटर, और राउटर का काम क्या होता है, फ्री पाथ प्रोवाइड करना। मतलब अगर आपका डेटा ट्रैफिक है, डेटा कहीं रुक रहा है, तो उसको दूसरे पास से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो पहले क्या नीड है आपको, मॉडेम या राउटर की। दूसरा है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। गाइस, पहले NIC जो कार्ड होता था अलग से इन्वेट किया जाता था, अब तो साथ साथ ही लगा हुआ आता है। जैसे आपके लैपटॉप वगैरह में NIC लगा रहता है, सब में रहता। और टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है आपको। टेलीफोन लाइन कनेक्शन जो है गाइस, इसमें ध्यान देना कि ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें आप फोन कॉल, फोन लाइन के माध्यम से जो जुड़ते हैं, फोन कॉल और इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस दोनों साथ साथ कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए होता है, जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप फ़ोन भी कर सकते हो, बात कर सकते हो। जैसे BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन जो आता है, उसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो दोनों चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। एक तो टेलीफोन लाइन से माध्यम है जो आपको सर्वर से इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, दूसरी बात इसमें क्या है कि आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो फ़ोन लाइन यानी आप बात भी कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो DSL में यह फायदा होता है कि आप दोनों चीज़ें साथ साथ यूज कर सकते हो। तो एक बार फिर से देख लो, DSL का फुल फॉर्म आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके लिए इट इज़ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, ये एक नया माध्यम है, ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप फोन को आप क्या कर सकते, बात कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आज की मैं बात करूँ तो गाइस, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आपके पास दो ISP की सिम है, सपोज दैट जियो और एयरटेल, तो एयरटेल में ये फैसिलिटी नहीं है। उसने दिया तो है कि आप दोनों में से किसी टाइम सिर्फ एक ही फैसिलिटी यूज कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट चला रहे हो और अगर आपके मोबाइल पे कॉल आई तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, नो इंटरनेट कनेक्शन देता है। लेकिन जियो, जो आपका जियो सिम लॉन्च हुआ है, उसमें अगर आपका इंटरनेट चल रहा है और आपका फ़ोन आता है तो वो कनेक्शन नहीं कटता है, क्योंकि उसने लीज लाइन इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ वो एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दोनों चीज़ें साथ ही साथ में हैं। तो आपका फ़ोन भी चलता है और इंटरनेट कनेक्शन भी चलता है। अगर आपको ये खुद देखना है तो आप देख सकते हो। तो गाइस, एक तो कनेक्टिविटी हमारी क्या हो गई, DSL, जिसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। गाइस, अब हम बात करेंगे केबल मॉडेम कनेक्शन की। केबल मॉडेम क्या कनेक्शन क्या होता है, ये कनेक्शन होता है थ्रू द डायरेक्ट हम सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल और मॉडेम।
ठीक है, केबल और मॉडेम, इसकी जो स्पीड होती है केबल मॉडेम कनेक्शन की, ये 10 times अधिक हो जाती है डायलअप कनेक्शन. डायलअप कनेक्शन की स्पीड जो है, डायलअप कनेक्शन की स्पीड हमने क्या कहा था, 28 kbps. 10 times मतलब 280 के पार, मतलब 300-400 या Mbps में भी आप इसकी स्पीड पा सकते हो. ठीक है गाइज, ये करता क्या है कि ये अपने कनेक्शन को डिवाइड कर देता है कई सारे बैंड्स में. बैंड मतलब चैनल्स में जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह नहीं आती, इनको कन्वर्ट कर देता है बैंड में, डिवाइड कर देता है आपके इंटरनेट कनेक्शन को. और उन बैंड्स को मॉडेम के द्वारा क्या किया जाता है कि इनको चेंज कर दिया जाता है, मॉडेम के द्वारा चेंज कर देते हैं और एक पैकेट बना देते हैं, डेटा पैकेट. चूंकि जो हमारा डेटा ट्रेवल करता है गाइस, वो पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, यानी बंडल्स के रूप में ट्रेवल करता है. और वो पैकेट्स को जब अब यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बैंड्स में. बैंड मतलब चैनल, यानी एक फ्रिक्वेंसी, एक वेवलेंथ होगी. अब फ्रिक्वेंसी को हम डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो केबल के थ्रू तो हमें फ्रिक्वेंसी किससे मिल, बैंड किससे, बैंड के उसमें मिल रही है, यानी वेव के फॉर्म में मिल रही है, या आप कह सकते हैं IF के फॉर्म में मिल सकती है, यानी एनालॉग. कुल मिला के आप कह सकते हो इसका एक ही कि एनालॉग सिग्नल होता है. एनालॉग को मॉडेम क्या करता है, मॉडेम कन्वर्ट कर देता है किसमें, IP पैकेट्स के फॉर्म में. और यही पैकेट सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है, जो हम जानते हैं वो पैकेट्स आपके 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं. चूंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है 0 और 1. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कुछ पॉइंट, आप इनको नोट भी कर सकते हैं कि पहली तो इसकी स्पीड कैन बी अप टू 10 times ऑफ डायलअप कनेक्शन. डायलअप कनेक्शन से 10 गुना अधिक होती है. इट डिवाइड द कनेक्शन यानी इंटरनेट कनेक्शन इंटू लार्ज बैंड, बहुत सारे बैंड में बांट देता है. और केबल मॉडेम, जो मॉडेम होता है, केबल मॉडेम में मॉडेम चेंज द सिग्नल्स, वो उन बैंड्स को चेंज कर देता है किसके, इनटू आईपी पैकेट्स के फॉर्म में. क्योंकि गाइस हमारा डेटा जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही आता है. इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे TCP/IP के साथ लेयर स्ट्रक्चर, तो उसमें ये क्लियर कर दूंगा कि कब पैकेट्स के फॉर्म में आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि जो अभी एनालॉग के फॉर्म में होता है वो केबल मॉडेम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है. तो एक कनेक्शन इस तरह केबल मॉडेम से भी आपको मिलता है. गाइस अब हम बात करेंगे सैटेलाइट कनेक्शन. सैटेलाइट कनेक्शन क्या होता है, बहुत सारी टेलीविजन कंपनीज ने, जो ये कंपनीज होती हैं मनोरंजन के लिए, उन्होंने अपने अपने सैटेलाइट, सैटेलाइट की हिंदी आप लोग जानते हो, इसको उपग्रह बोलते हैं. और उपग्रह की परिभाषा क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं. फिलहाल ये जियोग्राफी की बात है, हम जियोग्राफी में नहीं आएंगे, हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट के. तो सैटेलाइट जो होता है वो हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक. तो सैटेलाइट के थ्रू जो टेलीविजन कंपनीज ने सैटेलाइट के थ्रू भी एक कनेक्टिविटी दी हुई, अब वही माध्यम आज एयर मीडियम के माध्यम से आप तक पहुंचती है. इसमें क्या होता है कि हर कंपनी की, जो कंपनी होती है उनका एक अर्थ स्टेशन यानी एक सर्वर होता है, जहां से डेटा को क्या किया जाता है, अपलिंक किया जाता है. और वो हमारे सैटेलाइट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है यानी रिसीव किया जाता है. और बाद में जो हमारे घरों पर डिश या लगे रहते हैं, जो ऊपर आपने छतरी नुमा देखा होगा, उनको बोलते हैं अर्थ स्टेशन. क्या बोलते हैं, अर्थ स्टेशन. तो वो अर्थ स्टेशन के द्वारा डाउनलोड किया जाता है गाइस. इसीलिए अगर हम इंटरनेट की स्पीड देखते हैं तो उसमें दो स्पीड बताती है, एक अपलिंकिंग और दूसरी डाउनलिंकिंग. क्योंकि अपलोड और डाउनलोड दो चीज़ें होती हैं. जब हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो डेटा अपलोड करते हैं, कोई भी चीज़, कोई आप फॉर्म भरते हो वो भी आप क्या कर रहे हो, सर्वर में भेज रहे हो, डेटा अपलोड हो रहा है आपको, यानी अपलिंकिंग कर रहे हो. और कोई फाइल अगर आप खोल रहे हो तो वो क्या होती है, डाउनलोड होती है. तो उन टेलीविज़न कंपनीज ने क्या किया, अपलिंक किया
और जो हमारे अर्थ स्टेशन जो हमारे छतों पर लगाए गए हैं डिश वगैरह, ये सब क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उन फ्रिक्वेंसीज को कैच करते हैं, तो इसके थ्रू भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। पहले बात तो थी मनोरंजन की, लेकिन इसी में ऐड कर दिया गया इंटरनेट को भी। ठीक, तो गाइस यहाँ पे कोई भी फाइल सबसे पहले सर्वर के द्वारा अपलिंक की जाती है, फिर जो हमारे अर्थ स्टेशन जो टावर्स बने होते हैं उनके द्वारा वो डाउनलोड की जाती है। तो ये पूरा ओवरऑल है सेटेलाइट कनेक्शन। गाइस हमने इसको फिगर के माध्यम से समझाया है, लेकिन इसको हमने कुछ लिखा है, ज़्यादातर आपको जानना है सिर्फ कि सेटेलाइट कनेक्शन क्या है, तो इसको मैंने फिगर से समझा दिया है। आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स होगी तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका नोट्स तो डालेंगे और नोट्स के द्वारा आप पढ़ लोगे। फिलहाल सेटेलाइट कनेक्शन में आप इतना ही जानते रहिए कि जो टेलीविज़न कंपनीज ने अपने अपने सेटेलाइट को लॉन्च किया है, उन सेटेलाइट्स के द्वारा हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो जो जिस कंपनीज ने जो कंपनी ने अपने सेटेलाइट को लॉन्च किया है, वो अपने अर्थ स्टेशन से डेटा का क्या करता है, अपलिंक करता है, और जो हमारे अदर अर्थ स्टेशन हैं उनके द्वारा डेटा को डाउनलोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी जैसे रुकावटें आती हैं ना, हवा आया, जैसे मौसम बारिश ख़राब हो गई, तो आपको एक मैसेज मिलता है। आप अगर टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है कि योर पुअर कनेक्शन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, ये मैसेज आता है। तो कहने का मतलब है कि डेटा अपलिंक नहीं हो पाया, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया। तो गाइस ये तो टोटली है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कि इंटरनेट कनेक्शन आपको कैसे मिलता है। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने कल बात की थी कि टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में तीन तरह के कनेक्शन, लेवल 1 गेटवे एक्सेस, लेवल 2 डायलअप कनेक्शन, लेवल 3 हमने बात किया था लीज लाइन कनेक्शन। अब हमने अदर इंटरनेट कनेक्शन में आज बात किया DSL पे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केवल मॉडेम कनेक्शन और सैटेलाइट कनेक्शन लास्ट में। तो गाइस आज हम लोग टाइप ऑफ कनेक्शन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पहचानेंगे कि इंटरनेट को पहचाना कैसे जाए, यानी इंटरनेट एड्रेसिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होती है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में कहीं दिक्कत होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम अपनी साइट की लिंक दे देते हैं आपको, www.binarytube.in। आप इसे कमेंट कीजिएगा और आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। तो थैंक यू गाइज़।